नमस्कार, एमएन इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सिंह। सत्ता, सनक और अहंकार हर मनुष्य को ले डूबती है और उस मनुष्य का अंत भी बहुत बुरा होता है। आज भारत में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर उस आवाज को दबाना चाहती है जो आवाज अन्याय, अत्याचार, दमन और शोषण के खिलाफ उठती है। देश में लोकतंत्र तो है, किंतु इस लोकतंत्र के रहते हुए भी यहाँ तानाशाही से सरकार देश की जनता को दबाने की कोशिश कर रही है। ठीक ऐसा ही हिटलर ने किया था जर्मनी में। हिटलर 1933 में केवल 44 वर्ष की आयु में ही जर्मनी का राष्ट्राध्यक्ष बना। लोकतंत्र में रहकर ही वो तानाशाह बना। द्वेष भावना से उसने सत्ता हासिल की थी। हिटलर का एक पत्रकार गुरु था, उसका नाम था एस्कॉट। जीव लोगों के कारण जर्मनी की कैसे दुर्गति हुई ये उसने हिटलर को बताया था। इसलिए क्रोध में आकर हिटलर ने 60 लाख जीव लोगों को एक गैस चैम्बर में बंद करके मौत के घाट उतार दिया था। 3 सितंबर 1939 को दूसरा महायुद्ध हुआ, उसमें हिटलर और इटली का हुकुमशाह मुसोलिनी इनकी जबरदस्त हार हो गई। 29 अप्रैल 1945 को हुकुमशाह मुसोलिनी इसे जिंदा फांसी पर लटकाया गया। ये खबर सुनकर हिटलर घबरा गया। उसने अपनी प्रेमिका, जो बहुत ही सुंदर थी, युवा नाम था उसका, उसे हिटलर ने रात के 11:30 बजे शादी करने के बहाने बुला लिया। उसने युवा के साथ शादी की। उस समय एक फादर, 8 लोग और खाना पकाने वाले लोग मौजूद थे। दूसरा दिन निकला, हिटलर सुबह जल्दी उठ गया, युवा थोड़ी लेट उठ गई। दोपहर हो गई, लगभग 2:00 PM के करीब हिटलर ने युवा को अपने पास बुलाया। उसने तय किया था, उसके मुताबिक उसने युवा को साइनाइड की गोलियां दी। उसने पीते ही वह हिटलर के सामने गिर गई और मर गई। कुछ क्षण के बाद हिटलर ने अपने ही रिवॉल्वर से अपनी कनपटी पर रखकर गोलियां चलाई, जिससे उसकी जगह पर ही मौत हो गई। कहने का मतलब, तानाशाह को कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि सत्ता की ताकत उसके पास होती है, किंतु कुदरत उसे छोड़ती नहीं, उसका चक्र ही कुछ अलग होता है। आप देख रहे हैं मुक्त नायक इंडिया टीवी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें।